हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज की वीडियो खास होगी आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं साउथ की कुछ ऐसे मूवीज के बारे में जो आपको शुरू से लेकर एंड तक हंसाती रहेगी, जो कि फुल्ली कॉमेडी ड्रामा पे बेस्ड है गाइस। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट की काउंटडाउन नंबर वन की मूवी है गाइस सिंगली बुंगली कदवा थोरे, जिसको हिंदी में सिंगली बुंगली दरवाजा खोल के नाम से डब किया गया है। मूवी में हमें जीवा श्री दिव्या और कॉमेडियन सूरी जैसे एक्टर्स नजर आएंगे, जिसकी कॉमेडी आपके पेट में दर्द करवा देगी। और ये मूवी टोटली एक हॉरर कॉमेडी पे बेस्ड मूवी है, जिसे साल 2017 में रिलीज की गई थी। फिल्म की कहानी वासु नाम के बंदे और उसके फैमिली के इर्द गिर्द दिखाई गई है, जिसमें वासु शहर से बाहर एक इलाके में एक घर खरीदता है और वे वहां रहने चले जाते हैं। और तब उन्हें वहां पता चलता है कि उस घर में भूत है, और जब उन्हें ये बात पता चलती है कि घर में भूत है, तब मूवी की हिस्ट्री और भी मजेदार हो जाती है, जो आप मूवी में देखें। मूवी को IMDb की तरफ से 5.3 की रेटिंग मिली, और वहीं 67% गूगल यूजर्स ने मूवी को पसंद किया है। मूवी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरे नंबर की मूवी है गाइस वेयर इज द वेंकटलक्ष्मी, जिसको हिंदी में सेम नाम से डब किया गया है। यह साल 2019 में रिलीज की गई थी, जो कि फुल्ली कॉमेडी हॉरर थ्रिलर से भरी हुई मूवी है। मूवी की हिस्ट्री काफी चटपटी है, जो दो ऐसे मस्त यादों के बीच घूमती है, जो अपने गाँव में समस्या खड़ी करने के लिए जाने जाते हैं। बट कहानी में ट्विस्ट तब आती है जब उस गाँव में एक खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है, और वे दोनों कैसे उसके आगे पीछे भंडराते हैं, ये आप मूवी में देखेंगे। वही मूवी के अंदर हमें कॉमेडी मधुनंदन परवीन और राय लक्ष्मी जैसे कलाकार देखने मिलेंगे। मूवी को IMDb की तरफ से 4.2 की रेटिंग मिली, और वहीं 46% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। मूवी ऑफिशियली YouTube पे अवेलेबल है गाइस, अदरवाइज डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दिमाग की नसें हिल गई, ये एक्सरे है। तीसरे नंबर की मूवी है गाइस सिली फेलोज, जो साल 2018 की आई हुई फुल्ली कॉमेडी ड्रामा ऑफ वेस्ट मूवी है, जिसकी कॉमेडी आपको हंसने पे मजबूर कर देगी। मूवी की कहानी वीरबाबू नामक एक बंदे और उसके दोस्तों के अराउंड घूमती है, जिसमें वीरबाबू और उसके दोस्तों को एक पॉलिटिशियन के पैसों का ठिकाना का पता चल जाता है। लेकिन जब ये बात पॉलिटिशियन को पता चलता है कि ये बात उन लोगों को पता है, वे मुसीबत में पड़ जाते हैं, और वे इसे कैसे सॉल्व करते हैं आप मूवी में देखेंगे। इस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें कॉमेडियन अलरी नरेश और सुनील जैसे स्टार्स देखने मिलेंगे, जो आपको मूवी के एंड तक बनाए रखेगी। मूवी को IMDb तरफ से 5.7 की रेटिंग मिली, और वहीं इसे 79% गूगल यूजर्स ने बहुत ही पसंद किया है। मूवी ऑफिशियली गोल्ड माइन के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, अदरवाइज डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आदमी लोग अपना अपना ख्याल रखना। चौथे नंबर की मूवी है गाइस इरुत्तु एरियल मुराटू उत्तु, जिसको हिंदी में द रिटर्न ऑफ राजमहल के नाम से डब की गई है। इसके स्टार कास्ट में हमें नजर आएंगे गौतम कार्तिक और ऐशिका आनंद जैसे कलाकार। मूवी की हिस्ट्री दो बैचलर बंदे पे बेस्ड होती है, जो बैंकॉक में छुट्टियां मनाने जाते हैं, जहां वे समुद्र के किनारे एक बंगले में रहते हैं। बट ट्विस्ट ये होती है कि उस बंगले में एक आत्मा भी रहती है, जो उन्हें परेशान करती है। और मूवी की खास बात ये होती है गाइस कि उस आत्मा की एक अजीबोगरीब वॉइस होती है, जिसे सुनने के बाद आप अपनी हंसी रोक नहीं पाओगे। गाइस इस मूवी को तो आपको एक बार जरूर इंजॉय करना चाहिए, बट फैमिली के साथ नहीं, क्योंकि मूवी की कुछ ऐसे ही है जिसे आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते। और गाइस मूवी को IMDb तरफ से 4.2 की रेटिंग मिली है, और 73% गूगल यूजर्स ने इसे पसंद किया है। मूवी गोल्ड माइंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, अदरवाइज एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पांचवें नंबर की मूवी है गाइस गोरिला, जिसका हिंदी डब टाइटल गोरिला गैंग के नाम से 2019 में रिलीज की गई थी, जो कि एक कॉमेडी हेस्ट पे बेस्ड मूवी है, जिसके लीड कास्ट में जीवा सालिनी पांडे और कॉमेडियन योगी बाबू और राजेंद्रन जैसे कलाकार नजर आएंगे, जो आपको मूवी के शुरू होने से एंड तक हंसाते रहेंगे। जिसमें मूवी की कहानी तीन दोस्तों के अराउंड दिखाई गई है, तीनों अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए एक बैंक लूटने का प्लान करते हैं, और ट्विस्ट ये होता है कि उन तीनों के साथ उस टीम में एक गोरिला भी होती है, जो आप मूवी में देखेंगे, जो आपको थोड़ी भी बोरिंग फील नहीं कराएगी। जिसके साथ मूवी को IMDb की तरफ से 4.5 की रेटिंग मिली, और 78% के साथ गूगल यूजर्स ने भी काफी पसंद किया है। मूवी पेन मूवीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, अदरवाइज आप तो आगे जानते ही होंगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, वीडियो को अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।